हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है मिनी रसगुल्ले बनाना, तो आइए बनाते हैं मिनी रसगुल्ले बनाना। मिनी रसगुल्ले बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी चीनी ली है और एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और एक नींबू का रस लिया है और ये हमने एक किलो गाय का दूध लिया है। आप चाहे जौन सा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं वो ले सकते हैं। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में उबाल आते ही मैं दूध की गैस बंद कर दूंगी और ये हमारे दूध में उबाल आ चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और दूध को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। दूध को मैं गैस से नीचे उतार लूंगी और इसे मैं थोड़ा सा भाप निकलने तक इसे ठंडा कर लूंगी। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है दूध को। और दूध हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये नींबू का रस डालूंगी। मैं नींबू का रस एक एक चम्मच करके डालूंगी और इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाऊंगी दूध को। फिर से इसमें एक चम्मच डालूंगी मैं। मैं धीरे धीरे ही घुमाऊंगी और फिर से एक चम्मच डाल दूंगी। मैंने इसमें नींबू के रस में जितना नींबू का रस था उतना पानी भी डाल दिया था इसमें और इसे मैं धीरे धीरे ही हिलाऊंगी। हमारा दूध फटने लगा है, देखो। अब मैं इसमें ये बचा हुआ सारा रस डाल दूंगी नींबू का और इसे मैं फिर से धीरे धीरे ही हिलाऊंगी और ये देखो फट गया है हमारा दूध। ये हमारा पनीर फटकर तैयार हो गया है, ये छेना। ये हमारा दूध अच्छे से फटकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस पनीर को छान लूँगी। ये मैंने एक छलनी ली है और एक बाउल लिया है और ये मैंने एक कपड़ा लिया है। अब मैं इस पतीले को उठाऊँगी और इसमें से इसे अच्छी तरह छान लूंगी पनीर को मैं। और अब मैं ये छलनी उठाऊंगी। ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम आटा गूंदने में या राइस बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इस पनीर को पानी से धो लूंगी, जो इसका खट्टापन है वो निकल जाएगा। मैं इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा अच्छे से धो लूंगी और ये हमारा पनीर अच्छे से मैंने पानी से धो लिया है। ये निचोड़ लूंगी पनीर को। हमें पनीर का पानी सारा ही निकाल देना है और इसे हमें थोड़ा सा मॉइस्चर बनाए रखना है। ये हमने पनीर का सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी पनीर को। ये देखो कितने अच्छे से पानी निकल के तैयार हो गया है और ये हमारा पनीर बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे मसलूंगी। मैं इसे हथेली की मदद से मसलूंगी इसे। और एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करूंगी इसका।
और हमें हल्के हाथ से ही से पनीर को मसलना है हथेली की मदद से। और ये बिल्कुल अच्छे से मलकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से मलकर तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर ये एक चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आप चाहे अरारोट और मैदा भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से फिर से मलूंगी मैं। और इसे हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मलते हुए और ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखो कितनी बढ़िया से हुआ है तैयार। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। अब मैं चाशनी तैयार कर लूंगी। ये एक मैंने बर्तन लिया है और एक कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है। एक कटोरी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और आधी कटोरी और डालूंगी पानी इसमें। मैंने लगभग 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है इसमें और इस चाशनी को मैं बनने दूंगी। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस इस चीनी को पिघलाना है। ये मैंने 3 हरी इलायची ली हैं, इनको मैं छील के मैं इन्हें चाशनी के अंदर डाल दूंगी, ये 3 इलायची को। और चीनी को मैं मेल्ट होने दूंगी। जब तक हमारी ये चीनी की चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक मैं इसके रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लूंगी। और इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूंगी, मैं मिनी रसगुल्ले बनाऊंगी। अब मैं इन्हें गोल कर लूंगी हथेली की मदद से। ये देखो कितने बढ़िया से बनके तैयार हुआ है। इसी प्रकार से मैं सारे अपने रसगुल्ले बनाऊंगी। इस रसगुल्ले के अंदर एक भी दरारें नहीं पड़नी चाहिए, अगर दरारें पड़ेंगी इसमें तो ये फट जाएगा रसगुल्ला हमारा। और ये हमारे रसगुल्ले सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये हमारे कम से कम 18-20 बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर हमारे चीनी चाशनी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है और एक एक करके मैं इसमें ये रसगुल्ले छोड़ूंगी।
और इन्हें मैं 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। और अब हम इन्हें थोड़ा सा चेक कर लेंगे और हल्के हाथ से इन्हें हिला देंगे। तो आइए एक बार और फिर से चेक करते हैं और इन्हें हम हिलाएंगे। ये देखो कितने अच्छे से बन रहे हैं हमारे रसगुल्ले। और मैं चाशनी गाढ़ी होने तक इसी में ही पकने दूंगी। ये हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं और चाशनी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जब तक ये ठंडे होंगे। फिर मैं इन्हें सर्व करूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं इन्हें ठंडा होने दूंगी। ये हमारे रसगुल्ले ठंडे हो चुके हैं। इन्हें मैं एक बाउल में सर्व करूंगी। और ये हमारे मिनी रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।